ये जो आप ऑडिशन देख रहे हैं ये ब्यूटी स्टार अवार्ड शो है जो कि फैशन डिजाइनिंग, मेकओवर आर्टिस्ट, डांस, मॉडलिंग, एक्टिंग जैसी तमाम कैटेगरी के हुनरबाजों को मौका दे रहा है। इस ब्यूटी स्टार अवार्ड शो के फाइनल राउंड में मशहूर एक्ट्रेस प्रीति झिंगियानी बतौर जज शामिल होंगी। Hey guys, I'm Preeti Jhangiani and I'm coming very soon to Delhi for the Star Award show. This show can have makeup artists, models and designers. Everyone can participate. And it's organized by Mr. Gulshan Idrish. It's going to be a fabulous show and I hope to see you there soon. और ये जो GT7 चैनल की तरफ से आप लोग आए हैं और उन्होंने हमारे बच्चों के ऑडिशंस लिए हैं, हमें बहुत अच्छा लगा। इससे बच्चों का छुपा हुआ टैलेंट जो है वो बाहर आता है और बच्चों में आत्मविश्वास बहुत जागता है इससे। और जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन्हें उनके ना सिर्फ उनके अंदर का टैलेंट बाहर आता है बल्कि उन्हें अपनी और भी दूसरे फील्ड्स में भी परफॉर्म करने का मौका मिलता है। और सबसे ज़्यादा आप लोगों के सहयोग के बिना ये संभव नहीं हो पाएगा। ब्यूटी स्टार अवार्ड शो होने जा रहा है, और उसके लिए कुछ आप कहेंगे? ये जो ब्यूटी स्टार अवार्ड्स के लिए जो ऑडिशंस हुए हैं तो हमें विश्वास है कि इससे बच्चों को आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी और उससे बच्चे जो हैं वो अपने छुट्टियों में भी कुछ एंटरटेनमेंट कर सकते हैं और अपना आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं। हाँ, मेरा नाम गुलशन इदरीस है और मैं ये शो लेकर के आ रहा हूँ और इसमें सभी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा लग रहे हैं, ले रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरी सारी ये टीम है जो मेरे साथ जुड़ी हुई है, समझ गए, कोई किसी तरीके से हेल्प कर रही है, कोई मैनेजमेंट कर रही है, तो कोई मतलब बहुत तरीके से सब लोग मेरे साथ लगे हुए हैं। ठीक है, देख रहे हैं आप, कुछ मीडिया पर्सन भी हैं तो कुछ रिपोर्टर्स भी हैं तो कुछ मेरे पर्सनल लोग जो जिसको टीम मेंबर्स या फैमिली रिलेशन मेंबर्स इन सबको बोल सकते हैं वो सब लोग मेरे साथ हैं आज। और आज हमने इस नवजीवन पब्लिक स्कूल में ऑडिशन लिया द्वारका में, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और काफ़ी सारे टैलेंटेड बच्चे हमारे सामने आए निकल के, तो आई एम हैप्पी। मैं चाहूँगा कि दो ब्यूटी स्टार अवार्ड शो समाज से जिस तरह प्रतिभाओं को सामने ला रहा है उससे यही कहा जा सकता है कि वह समाज को अपना योगदान दे रहा है जो हर आदमी का कर्तव्य है। मैंने किसी से सुना था कि या तो आप ज़िंदगी में अच्छा काम करें, अगर अच्छा काम नहीं कर सकते तो कम से कम जो लोग काम अच्छा कर रहे हैं उनकी पीठ जरूर थपथपाएं। यही एक इंसान का फर्ज होता है और मैं यहाँ सबसे अपील करूंगा कि सभी लोग इनका इस नेक काम में साथ दें। इनकी पूरी टीम को एक बार फिर बधाई। देखिए, हर इंसान ये सोचता है अपने घर के अंदर कि मेरा बच्चा बहुत आगे जाए, मगर क्या होता है कि उनको बच्चों को सही दिशा नहीं मिलती, वो बहुत गलत जगहों पर जाके फंस जाते हैं, पैसा भी ख़राब करते हैं, उन्हें कुछ हासिल नहीं होता। बट क्या है कि हम इस शो को कर रहे हैं, इस शो से करने के बाद हम क्या है कि उन बच्चों को वो रास्ता दे सकें जिस रास्ते पे वो सोच रहे थे अपने घर में बैठ के। तो हमारी यही एक हमारी आपस में जो भी है हम यही चाहते हैं कि उनको एक सही दिशा मिले इस शो के बाद। एक और जहां पार्टिसिपेंट इस ऑडिशन राउंड में खुश नजर आते हैं, वहीं नवजीवन एकेडमी स्कूल मधु विहार द्वारका सेक्टर 3 में हुए इस ऑडिशन से स्कूल स्टाफ भी खुश नजर आया। ये जो ऑडिशन है एक अच्छा कदम है बच्चों के लिए, बच्चों में जो छुपी हुई प्रतिभाएं हैं उन प्रतिभाओं को डेवलप करने के लिए एक बहुत अच्छा कदम है, हम इसको प्रोत्साहित करते हैं। गुलशन इदरीस जी ब्यूटी अवार्ड शो को लेकर आ रहे, इसमें 14 देश के पार्टिसिपेंट आ रहे, आप भी इसका हिस्सा बन रहे, कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, किसी भी अच्छे काम का हिस्सा बनना तो एक गौरव की बात होती है और स्वाभाविक सी बात है, अगर ये अच्छा काम दुनिया की नज़र में है तो हम अच्छा ही महसूस करेंगे। रास्ता के इसी रास्ते में अगर जाना पड़ती है तो एक दिन नहीं एक दिन आपका कुछ मिलती है, किसी का एक्ट्रेस का और किसी का एक्टिंग का मॉडलिंग का, तो हमको भी बहुत पसंद आया। और यहाँ आने के बाद टीचर लोगों का और दोस्तों का साथ बच्चों का देखने के बाद तो बहुत अच्छा लगा। मेरी पूरी टीम ने ही बहुत ज़्यादा मेहनत की है, हम पीछे भी 3-4 ऑडिशन कर चुके हैं, आज हमारा ये चौथा ऑडिशन था। मैडम डींगरा जी,
इन्होंने हमारे शो में बहुत ज़्यादा हमारा साथ दिया है और मैं इनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ और हम इस शो को काफ़ी आगे तक लेकर जाएंगे। और ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, आज ये हमारा जो ऑडिशन था बहुत ही अच्छा गया, यहाँ बच्चों ने बहुत ही अच्छा पार्टिसिपेट किया और हमारा शो बहुत ही अच्छा रहा। वेल डन। हर घर ये मत देखिए कि टैलेंट इसमें है या नहीं, ज़रूरी नहीं है, जो बच्चा क्लासेस लेता है वही आगे बढ़ सकता है, जो स्कूल में है वो भी, इसके अलावा आउटसाइडर भी इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। प्लीज़ आप इन लोगों से कांटेक्ट करिए, इनके वेबसाइट जाइए, बहुत अच्छा एक ये लोग प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जो कि मुझे बहुत पसंद आया है। हर इंसान को आगे बढ़ने का इसमें बहुत अच्छा मौका मिल रहा है, प्लीज़ आप लोग इन लोगों का साथ दीजिए और बहुत अच्छा ही ये शो कर रहे हैं। मेरी बहुत शुभकामनाएं इनके साथ हैं और हम सब इन दोनों सर के साथ तो बहुत ही हैं, पूरी टीम बहुत कोऑपरेट कर रही है। थैंक्स। हम आपको बता दें कि ब्यूटी स्टार अवार्ड शो में देसी वर्सेस विदेशी की थीम पर 14 देशों से पार्टिसिपेंट आने का आयोजकों ने दावा किया है। ब्यूटी स्टार अवार्ड शो स्थानीय कार्यक्रमों की अगर बात की जाए तो लंबे अरसे बाद कोई ऐसा शो आया है जिसमें इतनी बड़ी संख्या में देसी वर्सेस विदेशी अपने हुनर का जलवा बिखेरेंगे। न्यूज़ फोल्डर ब्यूरो रिपोर्ट।